हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल व्हील्स अड्डा। तो जैसे कि आप फ्रेम में देख रहे हैं, आज आपके लिए लेके आया हूँ वॉक अराउंड इसुजू वी क्रॉस का। ये गाड़ी हमको इसुजू नोएडा सेक्टर 63 ने प्रोवाइड की है। तो अगर आप भी इस गाड़ी को देखना चाहते हैं तो आप शोरूम को विजिट कर सकते हैं। शोरूम की डिटेल्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने और आपको मिलती रहे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं शुरू करता हूँ गाड़ी के ओवरव्यू से कि गाड़ी में क्या क्या मिलता है, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, किस पर्पज़ से ये गाड़ी लेनी चाहिए हमको, वो सब चीज़ें शुरू करता हूँ। तो सबसे पहली बात करते हैं कि ये जैसे कि आप साइज़ देख रहे हैं गाड़ी का, तो साइज़ को देखते हुए आपको लगता होगा इंजन मतलब जो गाड़ी का दिल है वो एक अच्छी पावर वाला होना चाहिए। तो इस बीच की अगर बात करते हैं तो इसका जो इंजन है हमको वो 1900 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि 163 पीएस की पावर जनरेट करता है और 360 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है हमको। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई थी इस गाड़ी की इंजन की कि इंजन में हमें क्या पावर मिलती है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अब हम बात करते हैं गाड़ी की दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की, ट्रांसमिशन की। तो ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो ये गाड़ी 4x4 और 4x2 दोनों ट्रांसमिशन में मिलती है हमको, और इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों आते हैं। अगर हम वी क्रॉस की बात करते हैं तो वी क्रॉस में स्पेसिफिकली हमको तीन तरीके के ट्रांसमिशन मिलते हैं। हमें एक मिलता है 4x2 ऑटोमेटिक, दूसरा मिलता है 4x4 मैनुअल, एंड तीसरा मिलता है 4x4 ऑटोमेटिक। अगर आप 4x2 मैनुअल लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए वी क्रॉस नहीं लेनी मिलेगी आपको, उसकी जगह आपको इसुजू का एक दूसरा पिकअप ट्रक है जो है हाईलैंडर, आपको उस पर जाना पड़ेगा। तो ये तो बात होगी इसकी ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं अगर इसके सस्पेंशन की, तो जो सस्पेंशन मिलते हैं आपको जो फ्रंट में मिलता है वो आपको यहाँ पे प्रॉपर सस्पेंशन मिलता है। और आप अगर रियर की बात करते हैं तो रियर में आपको लीफ स्प्रिंग ही यहाँ पे मिलते हैं यहाँ पे सस्पेंशन में। अब इसकी अगली चीज की बात कर लेता हूँ टायर साइज की। तो टायर साइज जो हमें वी क्रॉस में ऑफर होता है वो 18 इंच का टायर ऑफर होता है, जिसकी मैं अगर प्रोफाइल की बात करूं तो 255, 60 और 18 का टायर हमको यहां पर मिलता है। आप देख सकते हैं मैं यहां बैठा हुआ हूं और टायर की हाइट कहां तक आ रही है मेरे पास। दूसरी चीज जो मुझे गाड़ी में बहुत अच्छी लगी, गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस। हाँ, व्हील बेस भी काफी बड़ा है तो ग्राउंड क्लियरेंस ऑब्वियसली बात है, मैं एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, लेकिन व्हील बेस को देखते हुए ग्राउंड क्लियरेंस देखते हुए मुझे नहीं लगता है इस गाड़ी में बॉडी रोल की कोई प्रॉब्लम होगी। अगर मैं गाड़ी की फ्रंट की बात करता हूँ तो फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो गाड़ी में सबसे पहली चीज दिखती है इसुजू की बड़ी सी ब्रांडिंग दिखती है क्रोम फिनिश के साथ में। उसके नीचे आपको पूरी ग्रिल मिल जाती है, यहाँ पर नंबर प्लेट के लिए जगह दी हुई है, आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाती है आपको विद टर्न इंडिकेटर के साथ में, और आपको यहाँ पर फॉग लैंप मिल जाते हैं। अगर मैं फ्रंट से ग्राउंड क्लियरेंस की बात करता हूँ तो बम्पर तो खैर बहुत ही हाइट पर है, बम्पर देख के ऐसा लगता है कि अगर आदमी लेटा भी है रोड पर तो उसके नीचे से ऊपर से भी निकल गई तो कुछ होना नहीं है इसको, है ना। बट अगर मैं नीचे भी बात करता हूँ तो ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस हमें ऑफर करती है गाड़ी। अगर मैं गाड़ी के ब्रेक्स की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं और रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है। और अगर मैं आप साइड से देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी सी गाड़ी पूरी दिखती है, यहाँ पे आपको क्रोम की फिनिश दी हुई है, आपको ORBM पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है और एक बड़ी सी बैजिंग मिल जाती है आपको वी क्रॉस की, जो कि इसको थोड़ा अलग लुक एक माचो लुक देती है। और पूरी ओवरऑल गाड़ी जो आप देखें गाड़ी में पूरा एक माचो लुक आता है, आपको 5-सीटर केबिन मिल जाता है पूरा, आपको ऊपर रूफ रेल्स वगैरह मिल जाती है। और केबिन का साइज भी आपको दिखाऊंगा आगे आप वीडियो में कि साइज कितना बड़ा सा केबिन है कि कंफर्टेबली आप बैठ सकते हैं। अगर गाड़ी की ओवरऑल डाइमेंशंस की बात करें तो गाड़ी की जो लेंथ है मुझे 5295 एमएम की मिलती है, गाड़ी की अगर विड्थ की बात करता हूँ तो 1860 एमएम की विड्थ मिलती है, और गाड़ी की अगर हाइट की बात करता हूँ तो 1840 एमएम की हमें यहाँ पर हाइट मिलती है। तो इतनी बड़ी गाड़ी आप जब रोड पर लेकर निकलोगे ना तो एक रोड प्रेजेंस है, तो एक आई कैची वाला मिलता है कि आप जब भी रोड से निकले हो तो लोग मुड़ के तो जरूर देखते हैं। हाँ, लोगों ने बहुत कॉमन हो चुका है ट्रक
इंडिया के अंदर बहुत लोग यूज कर रहे हैं, बट लेकिन अभी भी लोग इसको ना एक अच्छा ट्रक मेंटेन किया हुआ आपने फुल एसेसरीज के साथ लेके निकलेंगे तो लोग इसको मुड़ मुड़ के जरूर देखेंगे। डायमेंशन में एक चीज रह गई थी आपको बताना, दोबारा बता दूं कि इस गाड़ी का जो व्हील बेस है 3995 mm का आपको व्हील बेस मिलता है। इतने बड़े व्हील बेस के साथ आप गाड़ी चलाएंगे तो नो डाउट मुझे लग सकता है कि आपको यहाँ पर बॉडी रोल की, अगेन फिर से बोल रहा हूँ कि बॉडी रोल की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होगी गाड़ी के साथ में। अब मैं गाड़ी के फीचर्स की अगर बात करता हूँ कि केबिन के अंदर हमको क्या क्या मिलता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सेंसर दिख रहा है जो आपको कीलेस एंट्री यहाँ पर मिल जाती है। और गाड़ी के मैं गेट खोल कर अंदर जाता हूँ, अंदर से बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं हमको। चारों पावर विंडो कंट्रोल के बाद हमें यहाँ पे हेडलाइट को एडजस्ट करने के लिए हमें कंट्रोल मिल जाता है ना। तो सीट पे यहाँ थाई सपोर्ट प्रॉपर मिलता है मुझको, हेडरूम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और केबिन के अंदर से विजिबिलिटी जो मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी गाड़ी को चलाने के लिए, जब आप इस गाड़ी को चलाओगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो, क्योंकि जो कुछ है वो पीछे है, फ्रंट में आपको बोनेट पूरा दिखाई दे रहा है, तो रोड पे विजिबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब बात करता हूँ सीट की, तो ये सीट जो हमें है ये 6-way मैनुअली एडजस्टेबल सीट मिलती है हमको यहाँ पर। इसके ऊपर के वेरियंट्स में ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल भी मिल जाती है। अगर मैं बात करता हूँ बाकी चीज़ों की कंट्रोल्स की, तो यहाँ पर मुझको फ्यूल के लिए और बोनट ओपन करने के लिए कंट्रोल मिल जाते हैं। एक डेड पैनल मिल जाता है प्रॉपरली, जिसमें एक पैर को आप कंप्लीट रेस्ट पर रख सकते हो, क्योंकि ये गाड़ी 4x2 ऑटोमेटिक है, तो आपको एक पैर यूज ही नहीं करना, एक ही पैर से गाड़ी को ड्राइव करना है, इसलिए आप एक डेड पैनल को यूज कर सकते हो। यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं हमको फीचर्स के लिए। ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी, दो ड्राइवर साइड में भी है और को ड्राइवर दोनों को मिल जाती है। ड्राइवर को तो खैर स्टीयरिंग पे सपोर्ट मिल जाती है, लेकिन अगर कभी भी ऑफ रोडिंग या रफ ट्रैक्स पे चल रहे हो जहाँ पे आपको पकड़ने के लिए चाहिए हो, तो आपको ये ड्राइवर साइड में भी यहाँ पर मिल जाता है। बाकी बात करता हूँ फीचर्स की, तो यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है मुझको। यहाँ पे पूरा क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मिल जाता है। इस गाड़ी में मुझे 3 USB पोर्ट मिल जाते हैं, 2 पावर सॉकेट मिल जाते हैं। और फीचर्स की, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करता हूँ, तो आपको ग्लव बॉक्स, 2 ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पर, 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं सेफ्टी के लिए, आपको यहाँ पर सनग्लास होल्डर मिल जाता है, केबिन लाइट्स आपको डबल मिल जाती है, फ्रंट एंड रियर दोनों पैसे साइड में मिल जाती हैं आपको, सनवाइजर्स मिल जाते हैं आपको। ये सारी चीज़ों के साथ में जो इसमें आपको गाड़ी में स्टूडियो दिख रहा है, ये स्टूडियो इस गाड़ी का साथ वाला स्टूडियो नहीं है, ये एज ए पार्ट ऑफ एसेसरीज लगाया हुआ है इस गाड़ी में। ओवरऑल अगर बात करता हूँ तो केबिन मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है मुझे। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि गाड़ी का केबिन इतना कंफर्टेबल होगा। फ्रेंड्स, अब मैं आ चुका हूँ गाड़ी की रियर सीट पे, तो रियर सीट पे जो मुझे मिलता है वो क्या क्या मिलता है। मुझे यहाँ पर एक USB सॉकेट मिल जाता है फ़ोन की चार्जिंग के लिए। मुझे यहाँ पर 2 कप होल्डर मिल जाते हैं अगर मैंने कुछ पानी वगैरह या बॉटल वगैरह रखनी है। एक बॉटल स्टोरेज हमको यहाँ भी मिल जाती है बॉटल की, मुझे नहीं लगता है कि 1 लीटर की बॉटल आएगी, बट हाँ 0.5 लीटर की बॉटल यहाँ पर फिट हो जाएगी। रियर सीट पे एक आर्मरेस्ट मिल जाता है, अगर आप 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो सीट की विड्थ इतनी है कि यहाँ 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कम्फर्ट की और स्पेस वगैरह की रियर सीट पर, तो हाँ थोड़ा सा रिक्लाइन एंगल थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, अगर पीछे सीट थोड़ी सी रिक्लाइन ज़्यादा अच्छी हो जाती तो कंफर्ट थोड़ा बढ़ सकता था। लेकिन अगर स्पेस की बात करता हूँ तो स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख सकते हैं 5'8" मेरी हाइट है, जो नॉर्मल एवरेज हाइट है इंडिया के अंदर। नॉर्मल एवरेज हाइट के हिसाब से देखिए, मैं बैठा हुआ हूँ तो मुझे यहाँ पे नी रूम की कोई कमी नहीं है, मैं बहुत आराम से बैठा हुआ हूँ और फिर भी बहुत सारे नी रूम मुझे यहाँ पर मिल रहा है। हेड रूम भी मुझे लगभग मेरे हेड के बाद लगभग 4 इंच की जगह बच रही है, तो हेड रूम की भी कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर लगती नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ गाड़ी के रियर साइड में, साइड प्रोफाइल की जगह। तो रियर में अगर आप देखेंगे तो एक सबसे बड़ी चीज़ आपको दिखती है एक इसुजू की बड़ी सी ब्रांडिंग, अगेन फिर आपको इसुजू डीमैक्स मिल जाता है यहाँ पर, ZDDI आपको मिल जाता है। और इसकी हाइट देखिए आप, मतलब 5'5" के बंदे को भी ना थोड़ा उठ के बैठना पड़ेगा। और जो सबसे अच्छी चीज लगती है, आप इसको खोलिए, खोलने के बाद आपको ये जगह मिलती है ना, अगर इमरजेंसी पड़ गई तो 2 लोग बड़े आराम से इसमें सो सकते हैं।
और सामान रखने के लिए तो खैर क्या ही बोलूं, इतना बड़ा आप ट्रक ही लेके चल रहे हो, सामान तो कुछ भी रख सकते हो। तो ये गाड़ी आपको रोज सिटी में चला सकते हो आप स्टाइल व्हीकल की तरह, बट ये गाड़ी रियली जो बनी है मेरे हिसाब से जो बनाई है सूजो ने, उन लोगों के लिए बनाई है कि गाड़ी लो, सामान पैक करो, भरो और निकल जाओ 15 दिन 20 दिन की ट्रिप पे। आपको कहीं स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर 3-4 लोग हो आप तो स्पेस नाम की कोई इशू आएगा ही नहीं आपको। अगर फीचर्स की बात करता हूँ मैं रियर में, तो रियर में मुझे पार्किंग कैमरा मिल जाता है, 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, ऊपर की साइड में स्टॉप लैंप मिल जाता है, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, एंड आपको सारे बैकलाइट्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर कुछ LED है, कुछ आपका बल्ब है, दोनों टाइप की मिक्स टाइप के आपको आपको लाइट्स वगैरह मिल जाती है बैक में। रियर मिरर है, ये डिफॉगर के साथ में मिल जाता है, तो आप अगर कहीं फॉगी सीजन वगैरह में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि इस पर फॉग नहीं कलेक्ट होगा और आपकी विजिबिलिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा ये। तो यही कुछ था इस गाड़ी के बारे में। फ्रंट सीट पे मैंने बता दिया मुझे कंफर्ट के लिए क्या क्या मिल जाता है, रियर सीट पे आपको बता दिया क्या क्या मिल जाता है, और पीछे आपने एक बड़ा सा ट्रंक तो देख ही लिया था जो आपको दिखाया था मैंने कि ट्रंक में तो आप 2 आदमी को डाल लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा वर्क अराउंड इसुजू वी क्रॉस के लिए। तो अगर आप इस गाड़ी को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो नोएडा सेक्टर 63 पे जो आपका इसुजू का शोरूम वहाँ विजिट कर सकते हैं। डिटेल्स मैंने जैसे पहले बोला था फिर बोल रहा हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू देना चाहते हैं तो मैंने यहाँ नीचे एक ID मेंशन की है, उस ID पे आप हमको डिटेल सेंड कर दीजिए जिसमें आपने अपना गाड़ी का कौन सी गाड़ी है, कौन सा मॉडल है, आप कहाँ रहते हैं, ये सारी कुछ बेसिक डिटेल दे दीजिए जिससे हम आपको कॉन्टैक्ट करके आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगेन रिक्वेस्ट करूंगा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं, आपको आगे भी वीडियो ऐसी मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।